हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मरीन बुक 28। दो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, चैप्टर नंबर 1 हैंड टूल्स और चैप्टर नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा थर्ड नंबर का चैप्टर कौन सा है? इंजन रूम, मशीनरी एंड इंजन्स। ओके, तो तीसरा चैप्टर है ये। इसके हम ओरल के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम। ये मैं क्यों ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पूछे जाएंगे, बट मोस्टली सर्वेयर्स आस्क दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो वो इस पर ध्यान देते हैं। चैप्टर नंबर 3 पे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ स्क्रीन। ये देखो, ये आ गया चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 इंजन रूम मशीनरी एंड इंजन। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ इंजन रूम रेटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन है। कोई भी सर्वेयर आएंगे आपका एग्जाम लेने के लिए, सबसे पहले आपको आपकी ड्यूटीज पूछी जाएंगी। मीन्स आपकी ड्यूटीज क्या हैं जब आप जहाज पर जाएंगे जीपी रेटिंग करने के बाद, तो आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो है, क्लीनिंग ऑफ द इंजन रूम। ओके, क्लीनिंग ऑफ द इंजन रूम, इंजन रूम को क्लीन रखना आपकी ड्यूटीज़ में आता है। मॉनिटरिंग इंजन पैरामीटर्स, मॉनिटरिंग इंजन पैरामीटर्स, जब भी आप वॉक अराउंड पर जा रहे हैं तो इंजन में आपको ग्लोबल टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको ऑब्जर्व करने हैं और उनकी रीडिंग्स वगैरह लेनी होती है। ओके, असिस्ट द सीनियर इंजीनियर फॉर मेंटेनेंस वर्क। जब भी आपका कोई भी सीनियर ऑफिसर काम कर रहा है उस टाइम पे आपको उन्हें असिस्ट करना है मेंटेनेंस काम में। ओके, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 है, चेक द साउंडिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर। जितने भी टैंक्स होते हैं इंजन रूम में, स्मॉल टैंक्स हों या लार्ज टैंक्स हों, उनकी साउंडिंग लेना भी आपका ही काम होता है। ड्रेन द सेटलिंग एंड सर्विस टैंक फॉर द एनी वाटर। सेटलिंग और सर्विस टैंक को आप ड्रेन करेंगे। सेटलिंग टैंक क्या होता है, सर्विस टैंक क्या होता है, ये प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है फ्यूल सिस्टम का, उसमें जाके एक बार प्लीज देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में इसमें और भी पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। एक छठवां पॉइंट अगर आप ऐड करेंगे तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो लुक आफ्टर अबाउट द लीकेज। ओके, सी द लीकेज, इफ यू फाइंड एनी लीकेज इन द इंजन रूम एंड इन एनी मशीनरी, जस्ट क्लीन और वाइप इट आउट एंड इन्फॉर्म टू द ड्यूटी ऑफिसर। किसी भी मशीन में अगर आपको लीकेज दिखाई देता है तो उसको साफ कर दीजिए और ड्यूटी इंजीनियर को बता दीजिए कि सर उस वाली मशीन में ऐसे ऐसे लीकेज हो रहा है, जिससे वो उसको रेक्टिफाई करके रिपेयर कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द डीजल इंजन, स्टेट द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। ओके, ये आपको वर्कशॉप में जो कंपोनेंट्स रखे हुए हैं वो आपसे आइडेंटिफाई करवाए जाएंगे। वैसे भी मैंने 2-स्ट्रोक डीजल इंजन का डायग्राम का एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पर जाके आप कंपोनेंट्स के बारे में देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सिलरी इंजन ऑन बोर्ड द शिप, स्टेट व्हिच टाइप ऑफ इंजन इज यूज्ड एज ऑक्सिलरी इंजन। As you know, the auxiliary term is means the supportive machinery. Okay, so the engine which supports to the main engine and running to the all machinery is known as auxiliary engine. Means उस इंजन का काम क्या होता है? ऑक्सिलरी इंजन को हम जनरेटर इंजन भी बोलते हैं, या फिर आप जनरेटर भी बोलते हैं, जो कि शिप में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है कि जो इंजन होता है वो अल्टरनेटर के साथ कपल करके रन किया जाता है, तो अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ना कि इंजन से। इंजन तो अल्टरनेटर को रन करने का काम कर रहा है। ओके, तो 4-स्ट्रोक इंजन होता है जिसके आरपीएम कांस्टेंट होते हैं और तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो 4-स्ट्रोक इंजन यूज एज ए ऑक्सिलरी इंजन विच इज यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड द शिप। ओके, तो यहाँ पे 4-स्ट्रोक इंजन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम ऑक्सिलरी इंजन भी बोलते हैं, आप ऐसे भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 10 मेजर मशीनरी आइटम्स यू विल फाइंड इन द इंजन रूम। आपको नाम बताने हैं इंजन रूम में। यहाँ पे जो मैंने 10 मेंशन किया है, ये 10 जरूरी नहीं है कि 10 हो, ये आपको जितने याद आए उतने ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये मशीनों के नाम बताने हैं, कौन क्या क्या होता है। मेन इंजन होता है, ऑक्सिलरी इंजन होता है, ऑक्सिलरी बॉयलर होता है, प्यूरीफायर होता है, एयर कंप्रेसर होता है, पंप्स होते हैं, इंसिनरेटर, OWS, एयर कंडीशनिंग प्लांट, रेफ्रिजरेशन प्लांट एटसेट्रा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो एक सिंगल क्वेश्चन है, बट इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग ये पॉइंट दिए हैं। मेन इंजन अलग है, ऑक्सिलरी इंजन अलग है, बॉयलर अलग है, कंप्रेसर अलग है, प्यूरीफायर अलग है। तो जितनी भी मशीनें आप ये बताएंगे ये वाले क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें जितनी भी मशीनें आप बताने वाले हैं वो सारी की सारी मशीनों के यूज आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आप में एक पूरा ओरल ख़त्म करने की काबिलियत रखता है। अगर सर्वेयर ने ये क्वेश्चन आपको पूछा तो वो ये सारी मशीनों के आपके यूज पूछ सकते हैं, इनके वर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, और इसी एक क्वेश्चन में आपका ओरल ख़त्म हो सकता है। तो मेक श्योर करना कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, इनके यूजेस याद करें। यूजेस में आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल बता रहा हूं, तो आप इनको याद रखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5, कंपोनेंट्स ऑफ द डीजल।
क्वेश्चन नंबर 5, कंपोनेंट्स ऑफ द डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पिस्टन होता है, सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर हेड, कनेक्टिंग रॉड, बॉटम एंड बेयरिंग, मेन बेयरिंग। डीजल इंजन का मैंने डायग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आपको वहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट्स और उनका यूज समझाया है आपको, तो आप वहाँ पर जाकर ये वीडियोज देख लीजिए, यह क्वेश्चन आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स द प्रोपेलर रोटेट, मीन्स प्रोपेलर कैसे रोटेट करता है। ये क्वेश्चन जब ओरल एग्जाम में सर्वेयर पूछते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये आंसर्स नहीं देने होते हैं, आपको एक सिस्टम समझाया जाता है, शाफ्टिंग जो होती है वो समझानी पड़ती है कि सर्वेयर को कि सर ऐसे ऐसे प्रोपेलर कनेक्ट होता है और ये तब रोटेट होता है। तो कैसे प्रोपेलर रोटेट करता है, तो प्रोपेलर क्या होता है कि कनेक्टेड विद द मेन इंजन टेल शाफ्ट। जो इंजन की जो शाफ्ट सिस्टम होता है वो आपको उसका वीडियो में बना के डाल दूंगा। शाफ्ट सिस्टम जो होता है इंजन का, टेल शाफ्ट होती है, इंटरमीडिएट शाफ्ट होती है और थ्रस्ट शाफ्ट होती है, जो कि मेन इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ में कनेक्टेड रहती हैं और टेल शाफ्ट पर लगा होता है प्रोपेलर। तो जब मेन इंजन रोटेट करता है, मीन्स उसकी क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है, तो सारी शाफ्ट रोटेट करती हैं और प्रोपेलर भी रोटेट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूल ऑयल यूज ऑन शिप्स एंड दैट इज यूज द डीजल ऑयल यूज इन द कार एंड ट्रक्स। डिफरेंस क्या होता है, जो फ्यूल हम कार्स में यूज करते हैं और जो डीजल हम शिप में यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे देखेंगे आप, HFO लिखा हुआ है और यहाँ पे MDO लिखा हुआ है और यहाँ पे LDO लिखा हुआ है। DO का मतलब होता है डीजल ऑयल, FO का मतलब होता है फ्यूल ऑयल। ओके, द फ्यूल ऑयल यूज्ड इन द डीजल इंजन इज इधर HFO और मरीन डीजल इंजन, मरीन डीजल ऑयल MDO द। ओके, तो या तो मरीन डीजल ऑयल आप यूज करेंगे या HFO यूज करेंगे। द कार एंड ट्रक्स आर रनिंग ऑन द लाइट डीजल ऑयल और पेट्रोल। ये प्रॉपर्टीज होती हैं, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो चेंजेस होती हैं, इतना डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप बस ये HFO और लाइट डीजल ऑयल के बारे में रखें कि शिप में हम HFO यूज करते हैं, कार्स में हम LDO यूज करते हैं, मतलब लाइट डीजल ऑयल और पेट्रोल यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर इज यूज टू इंक्रीज द इनटेक एयर सप्लाई इन टू द सिलेंडर विद इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द एयर। इट रनिंग बाई इंजन एग्जॉस्ट गैस एंड ऑल्सो इट क्लीन्स द एग्जॉस्ट गैस बिफोर लीविंग टू द एटमोसफियर। क्या करता है टर्बोचार्जर, टर्बोचार्जर जो है वो इंजन की एग्जॉस्ट गैस से चलता है। इंजन की जो एग्जॉस्ट गैस होती है वो टर्बाइन साइड में जाती है और टर्बाइन को रोटेट करती है। और टर्बोचार्जर का मैं वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पे, आपको आप देख लेना, उसमें समझा दूंगा पूरा। तो टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैस से चलता है, जिससे कि एग्जॉस्ट गैस जब एटमोसफियर में जाए तो पूरी की पूरी क्लीन होके जाए। एक तो ये हो गया इसका यूज, और एक होता है कि जब वो रनिंग करता है टर्बोचार्जर, तो एटमॉस्फियर से एयर का सक्शन लेके और रोटरी कंप्रेसर के द्वारा उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भेजता है, जिससे क्या होता है कि इसको जो कंबसन होता है इंजन का वो अच्छा हो जाता है। ओके, सबको पता है कि फायर इंक्रीज, कंबसन मीन्स व्हाट, द बर्निंग प्रोसेस ऑफ द फ्यूल एंड एयर मिक्सचर। कंबसन क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस, जो एयर फ्यूल मिक्सचर का जो बर्निंग प्रोसेस होता है उसी को कंबसन कहते हैं। अब उसको जब आप कंबसन कहेंगे तो जितनी ज़्यादा एयर होगी उतनी अच्छी आग जलेगी, मतलब सिलेंडर में उतना अच्छा कंबसन होगा, और जितना अच्छा कंबसन होगा उतनी ज़्यादा एयर सप्लाई करनी पड़ेगी। तो टर्बोचार्जर हमारा यहाँ पे यही काम कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर सप्लाई कर रहा है कंबसन चैम्बर में, मतलब सिलेंडर में, जिससे कि आपका इंजन का कंबसन जो है वो अच्छा हो। ओके, टर्बोचार्जर का काम क्या होता है, इंक्रीज द इनटेक एयर सप्लाई इन टू द सिलेंडर, ओके, फॉर बेटर कंबसन और गुड कंबसन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू स्टार्ट द डीजल इंजन ऑन बोर्ड द शिप। डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ती है, किस चीज से हम इंजन को स्टार्ट करते हैं? सिंपल सा आंसर है, कंप्रेस्ड एयर। ओके, कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग एयर बोलते हैं। प्रेशर इसका रहता है 20 to 32 bar, 20 to 30 bar। ओके, 20 to 30 bar तक का इसका प्रेशर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इन द डीजल इंजन। इंजन में सिलेंडर हेड में जो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसका काम क्या होता है? सिंपल सा आंसर है, फ्यूल इंजेक्ट करना ही उसका काम होता है। कंबसन में फ्यूल की सप्लाई पहुंचाना फ्यूल इंजेक्टर का काम होता है। बट आप ऐसे बोलेंगे तो सर्वेयर इंप्रेस नहीं होंगे, मे बी आपका आंसर गलत कर सकते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलिए। द फ्यूल इंजेक्टर इज यूज टू इंजेक्ट द फ्यूल इन कंबसन चैम्बर एट द राइट टाइम, सही समय पर और सही क्वांटिटी में एटोमाइजिंग फॉर्म में इंजेक्ट करता है। एटोमाइजिंग फॉर्म का मतलब होता है कि छोटी छोटी सी बूंदें, बिल्कुल एकदम स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं उनकी, उनसे वो इंजेक्ट करता है। छोटे छोटे से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, फ्वार जिसको बोलते हैं, उस फॉर्मेट में ये इंजेक्शन करता है कंबसन चैम्बर में, जिससे कि कंबसन अच्छा हो। ओके, अब यहाँ पे हम
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हाट आर द माउंटिंग्स ऑफ द सिलेंडर हेड कंटेंट। सिलेंडर हेड में क्या क्या माउंटिंग्स लगी होती हैं। माउंटिंग्स का मतलब सिलेंडर हेड के ऊपर में लगे हुए इक्विपमेंट्स का यूज क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या लगे होते हैं, उनके बारे में आपको पता रखना है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ये क्वेश्चन में बेटा, कि ये जितने भी आपको इक्विपमेंट लिखे हैं इनका आपको यूज पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये ऐसी क्वेश्चन हैं जो अपने आप में ओवरऑल खत्म कर सकते हैं। ये सर्वेयर ने पूछा, इसी क्वेश्चन पर वो रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपको इनका यूज पता होना चाहिए। सिलेंडर हेड रिलीफ वॉल लगा होता है, एयर स्टार्टिंग वॉल लगा होता है, फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, इंडिकेटर कॉक लगा होता है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल होते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में। यहाँ पे मैंने फ्यूल इंजेक्टर का यूज आपको ऊपर यहाँ पे देखो ये समझा दिया है, ये फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन समझाया है। नीचे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लाई व्हील इन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में फ्लाई व्हील क्यों लगा होता है। तो फ्लाई व्हील का काम होता है कि जब वो इंजन रनिंग कंडीशन में होता है तो वो पावर स्ट्रोक के दौरान में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और बाकी के जब तीन स्ट्रोक होते हैं या फिर तो एक स्ट्रोक होता है उस टाइम पे वो उस एनर्जी को रिलीज करता है। ओके, तो क्रैंकशाफ्ट को रोटेट होने में हेल्प मिलती है। तो फ्लाई व्हील क्या करता है, ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक एनर्जी को स्टोर कर लेता है और रिमेनिंग स्ट्रोक में उसका यूज करता है। अब आपको स्ट्रोक पता होना चाहिए। ये देखो मैंने एक तो वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टर्मिनोलॉजी ऑफ द डीजल इंजन, टर्मिनोलॉजी ऑफ द डीजल इंजन। वहां पे जाएंगे आपको तो स्ट्रोक, टीडीसी, बीडीसी ये सब चीजें क्या होती हैं वहां पे सब आपको देखने को मिल जाएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और वाइस वर्सा इज नोन एज स्ट्रोक। व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस आर फिटेड ऑन द डीजल इंजन। डीजल इंजन में सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या लगे हुए होते हैं। तो क्रैंकेस रिलीफ वॉल, सिलेंडर हेड रिलीफ वॉल, ऑयल मिस्ट डिटेक्टर, टर्निंग गियर, ओवर स्पीड ट्रिप, डिफरेंट टाइप ट्रिप्स एंड अलार्म्स। ये क्वेश्चन भी देखो, ये जितने हैं 6 पॉइंट हैं, 6 के 6 के आपको यूज पता होना चाहिए। यूज आपको याद करने पड़ेंगे, अगर आप यूज याद नहीं करेंगे सर्वेयर आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और आप यहाँ पे फंस सकते हैं। क्रैंकेस रिलीफ वॉल का यूज मैंने नीचे लिखा हुआ है, बता दे रहा हूँ आपको। क्रैंकेस रिलीफ वॉल क्या करता है, इट इज यूज टू रिलीज द एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द क्रैंकेस। ओके, क्रैंकेस में जो एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है उसको ये रिलीज कर देता है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टफिंग बॉक्स। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे स्टफिंग बॉक्स नहीं है, सिलेंडर हेड रिलीफ वॉल का यूज भी यही होता है, एक्सेस प्रेशर को रिलीज करता है। ये यूजेस आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ये यूजेस का अलग से एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, इससे आपको इजी पड़ जाएगा। ओके, अगर आपको यूजेस नहीं मिल रहे हैं तो मुझे बताना, मैं भेज दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं, व्हाट इज द स्टफिंग बॉक्स, क्या होता है। स्टफिंग बॉक्स मोस्टली टू स्ट्रोक डीजल इंजन में होता है, जो कि स्कैवेंज स्पेस एंड क्रैंकेस को अलग अलग रखता है। ओके, स्कैवेंज स्पेस एंड क्रैंकेस को अलग अलग रखता है एंड पिस्टन रोड को सील करता है। ठीक है, स्कैवेंजिंग क्या होती है, ये प्रोसेस होता है जब फ्रेश चार्ज एयर स्कैवेंज स्पेस से सिलेंडर में एंटर करती है स्कैवेंज पोर्ट के थ्रू और एग्जॉस्ट गैस को बाहर की तरफ निकालती है, इस प्रोसेस को हम स्कैवेंज कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाई द फ्रेश चार्ज एयर इनटू द सिलेंडर एंड रिमूव द एग्जॉस्ट गैस विद द हेल्प ऑफ फ्रेश एयर। ओके, इसका ये प्रोसेस होता है। व्हाट इज टेपेड क्लियरेंस, टेपेड क्लियरेंस क्या होता है और इसको कैसे लेते हैं। द क्लियरेंस बिटवीन द वॉल स्टेम, वॉल स्टेम क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन में इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल होते हैं जो कि रॉकर आर्म के थ्रू ऑपरेट होते हैं, आप सबको पता है। तो रॉकर आर्म की जो टिप होती है और वॉल स्टेम का जो स्टेम का जो ऊपर का पोर्शन होता है उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं टेपेट क्लियरेंस, और इस क्लियरेंस को हम फिलर गेज के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियरेंस होता है और जो आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। ये तो 18 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में जो हमने एक्सप्लेन करनी है। आगे चैप्टर नंबर 3 वॉल्व्स हैं, 4 है, तो हमने 3 चैप्टर टोटल डिस्कस किए हैं। तो यहां तक अगर किसी को डाउट हो